बताइए। और ये जो है ठीक इसके दो तीन घर आप देखेंगे जहाँ पे पुलिस की वहाँ पे दो चार कांस्टेबल बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपके रियाज का घर है, ये पड़ोसी हुए उनके। तो चलिए आइए हम लोग बातचीत करते हैं और समझते हैं कि पड़ोसी क्या मतलब क्या सोचना है उनका, आपका क्या मानना है, आपका आपके दो तीन घर छोड़ करके उसका रियाज का घर है, ठीक है, उसने ये इतनी घिनौनी हरकत की है, ठीक है, दिन दहाड़े जा करके किसी भले मानुष का सर काट देना है ना, उस पर आप क्या कहिएगा? फांसी देनी चाहिए, आप भी चाह रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए, मतलब कि एक समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा जो है ये घटना ना हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ नहीं थोड़ा सा बातचीत में क्या क्या परेशानी है, हाँ क्या परेशानी है बातचीत करने में, क्या परेशानी है? देखिए बात बात यहाँ पे नहीं, गुस्सा मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एक होता है ना कि जो ठीक है कि किसी के घर में कोई मरा है तो उसमें गुस्सा होता है, हम हिंदू समाज में हम लोग गए, हमने हिंदुओं से बातचीत की तो उनके अंदर एक गुस्सा मुझे नजर आया, लेकिन यहाँ पे मुझे इग्नोरेंस नजर आ रही है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये महिला जो है वो अपने पति को कह रही है कि जी आप इनसे बात मत कीजिए, आप इनको इनको आप तवज्जो मत दीजिए, आप देखिए कितने जोर से इन्होंने दरवाजा को पटका है जैसे पता नहीं हम कौन है, हम क्या बातें करना चाहते हैं। मुझे गुस्सा कुछ भैया क्यों नहीं है गुस्सा, आपके पड़ोसी पड़ोसी ने इतनी घिनौनी हरकत की है, गुस्सा क्यों नहीं है? गुस्सा सबके दिलों में भरा हुआ है, जाहिर हो रहा है ना, सारे बंद हो रहे हैं, हाँ। गुस्सा इतना हो ही रहा है, जनता में आक्रोश है। अच्छा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बेच के गए हैं यहाँ पे, हमें आइडिया नहीं, हम तो अभी गए हैं, हाँ। हमें तो पांच पांच दस साल ही हुए यहाँ। अच्छा, तो ये सारी बातें। अच्छा ये कैसा था, ये व्यक्ति कैसा था, अगर जैसे ये व्यक्ति था, क्या इसका रवैया कैसा था इसका? हम यहाँ रहते नहीं, हम तो दूसरी जगह रहते हैं, यहाँ पे अभी आए, अभी आए हम तो। इनको क्या ही बताया? चाचा आपका नाम? मोहम्मद असलम। घटना सुनी आपने जो चार दिन पहले हुई, आप ही के शहर की घटना है, क्या कहना चाहेंगे? सहयोगी बनना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए साहब, ये करा दो, अच्छा नहीं, सहयोग होना चाहिए, एक ही बात होना चाहिए, एक ही सहयोग से मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब सहयोग एक जैसे ये इतने सालों से रह रहा है, रह रहे हैं सहयोग बना के, इसी सालों से रहना चाहिए, मतलब भाईचारे से रहना चाहिए। भाईचारा कैसे बनेगा, एक जो पक्ष है वो दूसरे पक्ष का दुकान में जा करके गला रेत दे रहा है। अब किसने मुसलमान है तो इसने ये कांड करा, किसको मालूम है? मालूम किसी को है ही नहीं, सब अंधेरी में रात है, तो ये उसी हिसाब से हो गया, किसको मालूम है कि ये होगा, किसी को मालूम तो ही नहीं। मतलब एक बात बताइए, उस आदमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आदमी अपने मोहल्ले में रहता है, वो वीडियो बनाता है, वो ये लोग बात करता है कि रसूख के गुस्ताखे नबी की एक ही सजा है, सरतन से जुदा है, तरतन से जुदा है, लोगों में एक वो मैसेज देने की कोशिश करता है ना, दहशत फैलाने की कोशिश करता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मुसलमान के बारे में? मुसलमान में तो ये क्या करा तो गलती है, और एक तरफ से अच्छा है एक तरफ से बुरा, दोनों ही है। अच्छा कैसे? अच्छा कैसे? ये बोला, ये गलत बोला उनने। किसने? उस टेलर ने। टेलर ने गलत बोला? तो हुआ ये टेलर की गलती है, मतलब गलती टेलर की। अभी सुना है देखो अपन ने, क्या सुना है आपने? ये सुना, ये सुना क्या जो, आप? जो आपने जो लोगों के सुनते हुए आए हैं, और ये बात एक दूसरे की सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हुए आ रहे हैं बस, और क्या भाई, इनकी गलती इस्लाम के मामले में गलत नहीं होना चाहिए। मतलब एक फोटो लगाना क्या इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उसका गला मतलब आप काट दीजिए? सही आपने बोला चाचा, इस घटना को आपने सही बोला है। अरे म्यूजिक बंद करो जरा चाचा, चाचा हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। राजकुमार वैष्णव जी एक बात बताइए, जैसा कि चाचा कह रहे हैं ये जो घटना हुई है इस्लाम के बारे में गलत बोला उसने, तो इसीलिए उसके साथ ये हुआ है, सही भी हुआ है और गलत भी हुआ है, आपका कहना चाहेंगे? ये तो गलती है, गलती हुआ उसके साथ में, एक हिसाब से तो जो टेलर के साथ में हुआ वो एक हिसाब से गलती। इस हिसाब से भाईचारा बनेगा क्या, क्या लगता है इस हिसाब से भाईचारा बनेगा, इस थिंकिंग के साथ भाईचारा बनेगा क्या? इस थिंकिंग के हिसाब से भाईचारा नहीं बन सकता है, भाईचारा नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा ऐसा अगर होता है माहौल तो भाईचारा नहीं बन सकता, बाकी है क्या, भाईचारा बन के रहे तो अच्छा ही है। ये किसके तरफ से, अच्छा एक बात बताइए, ये भाईचारा जो है वो किसके तरफ से तोड़ा जा रहा है? मैंने ये तो नहीं सुना कि हिंदू ने जाकर मुसलमान का गला रेट दिया, इतना गलत बोला जाता है हिंदू के देवी देवताओं के बारे में। होते हैं, कभी होता है किसी का मटर हो जाता है, ये तो सलट जाता है क्या? अब ये हजूर के मामले में इतना बोला तो कुछ वजह सही है, मतलब हजूर के बारे में इतना बोला तो ये सही किया, दोनों ने सही किया। हाँ, गला ये तो गलत करा है, काटा जो हाथ पैर तोड़ देते कुछ भी कर देते पर ये हाथ पैर तोड़ देते, देखिए ये बात आप सुनिए, ये कह रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ देते ये कर देते, लेकिन मतलब इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो है सही भी उन्होंने किया है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अभी जैसे ऐसी थिंकिंग रहेगी, जैसे आपने कहा कि उसने सही किया है, उसने मतलब ये गला रेत दिया जाके, तो आपकी गाड़ी में लोग बैठने में सोचेंगे ना हिंदू, एक बार सोचेगा तो सभी सोचेंगे ना, सोचेगा ना हिंदू आपकी गाड़ी में बैठने में, सभी सोचेगा, बताओ सोचेगा कि नहीं सोचेगा? आगे मैं बात कर सकता हूँ, आगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सुनी हुई बात है, जैसा आप सुन रहे हो। अच्छा भैया एक बात बताइए, चाचा ये जो बात कर रहे हैं आपको कुछ समझ में आ रही है क्या? ये गलत बात है, गलत बात है, ये तो सरासर बोल रहे हैं कि अच्छा किया काट दिया। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया,
बोल रहे हैं कि भाईचारे की ये बात कर रहे हैं, क्या भाईचारा इस हिसाब से पॉसिबल है कि एक तरफ ये घटना को बोल रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह के हिसाब से हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था, हिंसा पूरी तरीके से उसके साथ, मतलब हाथ पैर उसका तोड़ देना चाहिए था, ये बात ये कर रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं ये बात? नहीं, ये तो गलत है। ये देख करके आपके मन में क्या बातें चल रही हैं अभी कि ये ऐसी सोच है, ये क्या बातें चल रही है आपकी ये सब देख करके? ये सब दंगे की भावना हो रही है, ये दंगे की भावना हो रही है, तो ये दंगे की भावना हो रही है। मतलब आपके हिसाब से जो घटना हुई है सही हुई है? घटना हुई है के मामले में कौन नहीं बोलेगा? आज अपने धर्म में मैं आपको बोल दूंगा कि इसने हिंदू तो गला नहीं काटता भैया, हिंदू गला नहीं काटता। अरे नहीं काटता, लेकिन किसको मालूम था? किसको मालूम है कोई के जाएगा? लेकिन आप जैसे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सही हुआ है। कैसे आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसका? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खाली इस्लाम के अंदर एक ही सपोर्ट कर रहे हैं बस, कि ये इस्लाम के अंदर जो हुआ गलत हुआ, यूं कहने का मतलब ये नहीं। क्या अब क्या बोला आपने, ये जो इस्लाम में जो हुआ, हमारे इस्लाम में हमारे जो हजूर है ना, उन्होंने हाँ हमारे जो अल्लाह बोला है तो किसी ने गलत बोला, यूं गलत बोला, और ये जो काटा, ये जो दिन दहाड़े काट दिया, इस पे ये हरकत कैसी है? ये हरकत सही है कि गलत है ये बताइए ना मुझे आप। कौन सा ये जो हरकत है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोलेंगे? दिन दहाड़े काट दिया जा रहा है हमारे हजरत को, हमारा तो हजरत के ऊपर चलते हैं। अभी काट दीजिए क्या किसी को? काट दीजिए, आपके सामने कोई बोलता है कुछ भी, किसी भी टिप्पणी करता है तो गला काट। मैं तो इस चीज को समझते नहीं हूँ, मैं तो इस चीज को समझते नहीं, तो उठती हुई बातें अपनी सुनते, ये सुनते ही। मतलब ये देखिए आप इस तरीके से लोगों में थिंकिंग है, जो ये भाईचारे की बात होती है ना, लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइव एग्जांपल है। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो बात हुई है वो सही हुई है, मतलब हमारे उसूल के बारे में, हमारे रसूल के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता, और ये जो कांड किया गया है ये कहीं हद तक उस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये लाइव एग्जांपल है, ये जो लोग कहते हैं कि भैया हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती है, बीजेपी भड़काती है, ये वो करती है, ये लाइव एग्जांपल है। देखिए ये इनका मानना है, और ये यहीं के वासी है, और इनका मानना है कि उन्होंने ये बात सही की है। मैंने आपको उदयपुर में लाइव एग्जांपल में आपको ये बात बता रहा हूं। यहां पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीव्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें, और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको रिट्रेट, आई वांट टू रिट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। अब इसके बाद मैं स्तब्ध हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं इसके बाद।